आज जिला सिवनी में जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कहा गया है कि सिवनी शहर में वर्तमान में बड़ी रेल लाइन का काम प्रारंभ है, किंतु शहर सिवनी के बरघाट छिंदवाड़ा नागपुर रोड में स्थित रेलवे क्रॉसिंग में फ्लाईओवर उड्डयन पुल का निर्माण नहीं किया जा रहा है, जो कि उक्त रोड शहर की व्यस्ततम रोड है। अगर रेलवे फ्लाईओवर का निर्माण नहीं किया जाता तो शहर में दिन भर जाम की स्थिति बनी रहेगी, लंबा ट्रैफिक जाम लगने की 100% संभावना है। शहर की उक्त व्यस्ततम रोड से प्रतिदिन स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से सैकड़ों मरीज, गर्भवती महिला एवं गंभीर मरीजों को लाया ले जाया जाता है। अत्यंत सीरियस मरीज पर उक्त मार्ग से ही नागपुर रेफर कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में रेलवे फाटक बंद रहा तो जानमाल की भी हानि हो सकती है, तथा जिले के संपूर्ण मुख्यालय नगर के केंद्र बिंदु में ही है, जो कि बिना रेलवे क्रॉसिंग के पहुंचना संभव नहीं है। ग्रामीणों से आने जाने वाले छात्र, व्यापारी, किसान, मजदूर को भी काफी समस्या का सामना करना पड़ेगा। अगर फ्लाईओवर नहीं बनाते हैं तो पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी, जिससे आमजन को अत्यंत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर रेलवे फ्लाईओवर नहीं बनाया जाता है तो आम आदमी पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। उक्त ज्ञापन आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष दुर्गेश विश्वकर्मा, संगठन मंत्री याह्या आरिफ कुरैशी, नगर अध्यक्ष सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सिवनी मध्य प्रदेश से अब्दुल हक की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।